देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। अब जलगढ़ नगर में स्थित डोडा कॉलोनी निवासी दंपत्ति की सड़क हादसे में मौत हो जाने पर परिजनों में कोहराम मच गया। मृतकों के सब घर पहुंचने पर नगर में शोक की लहर दौड़ गई है। नगर की डोडा कॉलोनी निवासी मृतक के छोटे भाई साहिल पुत्र शौकीन ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका भाई देहरादून में रहकर पेंटिंग का काम करता था। उसका भाई अफशार उम्र 38 वर्ष, अपनी पत्नी जीनत 31 वर्ष के साथ बाइक के द्वारा अफजलगढ़ से देहरादून उसी के पास जाने के लिए शुक्रवार को सुबह घर से निकले थे। हरिद्वार चंडी पुल पर पहुंचा तो विपरीत दिशा से आ रहे एक टिपलर ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है और मृतक के घर पर परिजनों को फोन पर सूचना दी है। सूचना मिलने पर घर में कोहराम मच गया। परिजन सूचना मिलते हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। सब घर पहुंचने पर परिजनों सहित नगर में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक दंपत्ति अपने पीछे एक पुत्र सहित पूरा परिवार रोता विलखता छोड़ गया। नाम है आपका? साहिल। क्या मामला हुआ है? मामला ये नजीराबाद से जा रहे थे फिर मेरे पास देहरादून, इन्होंने हर चंडी का पुल पार किया, जो शिव की मूर्ति पड़ती है ना हर की पेड़ी के पास, वहाँ पे पीछे से DSMI उनको ठोका और ठोकने के बाद वो आगे चल के चली गई और उसको आगे चल के भानिया वाले में पकड़ लिया गया। कैमरे उमरे लगे हुए थे। दरोगा साहब से मेरी बातचीत हुई, इंस्पेक्टर से ही बातचीत हुई मेरी हरिद्वार में अस्पताल के पास, जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर कोतवाली है हरिद्वार में, उनसे इंस्पेक्टर से ही बात हुई मैडम से और दरोगा जी से भी बातचीत हुई। बोले कि गाड़ी के मालिक से हमारी बातचीत हुई है, आपके बारे में सोचेंगे, आपके साथ कार्रवाई अच्छी की जाएगी, आपके साथ इंसाफ होगा। तो एक्सीडेंट में क्या हुआ? एक्सीडेंट में हाथ पार बस दोनों की एक दो मिनट बाद डेट हो गई, ये मेरे को बताया दरोगा जी ने। इनको हमने अस्पताल भिजवाया, अस्पताल जाते जाते इनकी रास्ते में ही डेट हो गई। अच्छा, क्या जरा तो बताओ क्या घटना हुई, क्या हुआ है मामला? हरिद्वार चंडी के पुल पे बताया था इसका भैया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।